बाकी तो अब जानिए कि नामदेव को एक कुत्ते में भी नजर आ गए प्रभु। माता और नामदेव ने बनाई रोटी और जो ही रोटी बना के बैठे ही थे कि कुत्ता आया और दौड़ करके ले गया रोटियों को, मुंह में भर के भागे जा रहा है और नामदेव उसके पीछे 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 दौड़ रहे हैं। पर दौड़ कैसे रहे हैं, कोई डंडा लेकर नहीं दौड़े, नामदेव घी का कटोरा लेकर दौड़े। कहने लगे भगवान रूखी तो न खाओ, जरा घी तो लेके जाओ। अरे तुमने सकल बनाई कैसी स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, रूखी न खाओ जरा घी तो लेते जाओ। दर्शन हो गया। जब मैं देखने निकलूं तो हर जर्रे जर्रे में राम नजर आ जाता है, हर कण कण में प्रभु नजर आता है। जरा खोज के तो देखो, लोगों ने कहा है हे राम नहीं है नारा, वो विश्वास है भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, राम मिले हैं पंचवटी की छांव को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर वनी अहिल्या को, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, और राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। राम तो कहीं भी मिल जाते हैं, जरा वो नजर पैदा करो, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। जरा सोचो है कहाँ राम, आंखें बंद करके देखोगे तो चारों दिशाओं में राम ही राम नजर आएंगे। इस धरती में राम है, इस अंबर में राम है, हर पत्ते पत्ते की कतरन में राम है, हर वृक्ष पर हर डाली पर राम ही तो बैठा है, ब्रज की हर गली गली में वो श्याम सुंदर ही तो मुरली की तान छेड़ रहा है, यमुना गंगा के पावन जल की कल कल बहती धारा में वही तो समाया है, ऊंचे पहाड़ पर टीला बनकर वही तो अपना आकार दर्शा रहा है, पाताल की गहराइयों में वही समाया है, और आसमान की ऊंचाइयों में वही समाया है, और ममता के मातृत्व में माता के वात्सल्य में वही तो अंदर है, और तुम भक्तों के संकल्प में वही तो समाया है, तुम्हारी जिव्या के तान में सुर में वही तो समाया हुआ है, तुम्हारे श्रवणों में शक्ति बनकर वही तो बैठा है, तुम्हारे हाथों में कर्म बनकर वही तो कर रहा है, तुम्हारे पैरों में परिश्रम बनकर वही तो चल रहा है, तुम्हारे शरीर में चेतना बनकर वही तो जीवन तो दे रहा है, वही तो जीवन पा रहा है। देखो जरा तुम्हारे पिता का सहारा बन कर वही समाया हुआ है। कहां कहां नहीं मिल जाता राम, संतों के सुंदर जीवन में समाया है, ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व में वो व्याप्त है, क्षत्रियों के बल में वो समाया हुआ है, और उस अर्थ में भी वही है जिसको लक्ष्मीपति कहते हैं, और उस सेवा में जो शूद्र के हृदय में भरी हुई है उस सेवा में भी परमात्मा ही है। जरा खोज कर देखोगे तो दुनिया में कोई जगह ऐसी मिलेगी नहीं, फिर तुम भी कहते रहोगे सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग भानी। विचार करो कहाँ नहीं है मेरा परमात्मा, वो चंदा की शीतलता और सूर्य की तप में वही बैठा है, ऋषियों के त्याग में वही बैठा है, राजाओं के न्याय में वही बैठा है, हर जगह वही बैठा है। आप जरा सोचो चींटी से लेकर हाथी तक उसी की सत्ता विराजमान है, वही तो है। हम बेकार चिंता करते हैं, जो चींटी के लिए भोजन दे देता है और जंगल में शेर के लिए भी पहुंचा देता है।
वो कभी चिंता नहीं करते, एक बार छोड़ देते हैं उसके ऊपर, हम व्यर्थ की चिंताओं में लगे रहते। अभी तक व्यक्ति को समझ में नहीं आती है कि भगवान मिलेगा कहाँ, उसको ढूंढता रहता है और कितने चक्कर लगाए, कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी कितने घंटे हिलाए, कभी खूब सारा चंदन लपेट लिया अब मिल जाए, कभी तो कंठी मालाएं खूब पहनी अब भी नहीं मिला, खूब माले के जाप करे तो भी मिला नहीं। विचार करिए, जिन्होंने घर छोड़ दिया उनको मिल गया, या जो घर में रहते हैं उनको मिल गया? वो तो देखने की नजर दृष्टि चाहिए, वो तो हर जगह मिल जाता है। मेरा श्याम सुंदर कृष्ण ब्रज के इस कण कण में वही है, वही है, वही है। इसलिए लोग इसकी मिट्टी को पूजते रहते हैं,